आपके पास Xiaomi 13 अल्ट्रा है या फिर 13 प्रो है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप टॉकबैक को ऑफ कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉकबैक लग चुका है और सिंगल टच से ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको आप यहाँ पे टू फिंगर से ऐसे यूज़ करोगे, ठीक है, अपना लॉक अनलॉक करने के बाद यहाँ पे टू फिंगर से ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन पे अगर ये लिखा है ना प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम, ये वाला ऑप्शन, तो इसको कैसे आप बंद करना है बता देती हूँ। ये जो वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन है ना, इसको एक साथ ऐसे दबाओगे, टॉकबैक ऑफ हो जाएगा, और यहीं से अगर ये ऑन हो जाता है गलती से तो टॉकबैक लग जाता है। अब मैंने रीज़न तो बता दिया है कैसे ये लगता है, और टर्न परमानेंट बंद करने के लिए आपको क्या करना है, इसको बंद कर लेंगे, टॉकबैक आपका ऑफ हो जाएगा। चलो मैं लॉन्ग प्रोसेस बता देती हूँ कि मान लो अगर ये वाला ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है और यहाँ से भी बंद नहीं हो रहा, तब कैसे करना है, तो यहाँ पे टू फिंगर से आप ऐसे स्लाइड करेंगे, जाएंगे सेटिंग पे, एक बार सेलेक्ट करना है, जब ये ग्रीन कलर का सर्कल आ जाएगा इसके बाद डबल टैप करके ओपन कर लेना है, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग डबल टैप, एक्सेसिबिलिटी डबल टैप, और स्लाइड करेंगे टॉकबैक डबल टैप, टॉकबैक यहाँ से ऑफ कर लेंगे, स्टॉप हो जाएगा। अब ये लॉन्ग प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है, अब ये इस वजह से बताया क्योंकि ये होल्ड वॉल्यूम कीज़ वाला ऑप्शन आपका ऑन है। अब अभी देख सकते हैं फिर से लग जाएगा, टॉकबैक लग गया, टॉकबैक ऑफ हो गया। अब ये वाला ऑप्शन बंद है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं टॉकबैक ना ही लग रहा है और ना ही बंद हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर यहाँ से शॉर्टकट से बंद नहीं हो रहा, कोई काम नहीं कर रहा है, तो लॉन्ग प्रोसेस से आप मतलब टू फिंगर से टच करके कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको हमेशा बंद रखना है, तो आपका टॉकबैक नहीं लगेगा। तो इस टाइप से आप इसको फिक्स कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।